गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इंटीग्रेशन चैप्टर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, ये करीब गिनती में 7 और 8 प्रॉपर्टीज हैं। सारे केसेस मिला लें तो 8 हैं, जैसे 7th के 2 केसेस है ना, ऐसे मिला लें तो 8 है, अदरवाइज मोटे मोटे तौर पे ये 7 प्रॉपर्टीज है ना। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही क्रूशियल हैं उन इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में जो या तो सॉल्व होते ही नहीं है और या फिर अगर होते हैं तो ट्रेडिशनल तरीके से बड़ी ही देर में होते हैं, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होते हैं। तो प्रॉपर्टी लगाते ही वो क्या हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, एंड क्या होगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर उसने कह दिया कि आपको प्रॉपर्टी लगा के ही सॉल्व करना है तो फिर अगर आपको सीधे सीधे आता है तो भी आपको प्रॉपर्टी लगा के ही सॉल्व करना है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह दूं कि सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम तो सीधे कर लेंगे, लेट कर लेंगे, जल्दी नहीं करेंगे लेट कर लेंगे, बट अगर उसने कह दिया कि नहीं प्रॉपर्टी यूज करो तो फिर तो करनी है, तो इससे बच नहीं सकते, है ना। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से पक्का है, आएगा ही आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी पे आएगा वो नहीं पता, पर आपका पक्का है कि आएगा ही आएगा। ओके, ठीक है, इनका प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर भी बीच बीच में जैसे आपको याद कराने के मकसद से मैं थोड़ा बहुत समझाता जाऊंगा, जितना समझ आता है ठीक है। सबसे मेन चीज है कि प्रॉपर्टी आनी चाहिए, प्रॉपर्टी को अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन देख के पहचान होनी चाहिए कि इसमें यह प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे क्वेश्चन आया, अब 8 में से कौन सी लगेगी कौन बताएगा, हमारी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, कैसे पहचान होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से पहचान होगी कि अच्छा इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, और थोड़ा प्रॉपर्टी बनी कैसे थोड़ा बहुत अगर अपन ये भी सीखते चलेंगे साथ में तो उससे भी पहचान हो जाएगी कि ये क्वेश्चन इससे होगा, ये क्वेश्चन इससे होगा। स्टार्ट करें। ओके, हेडिंग मार्क कर ली, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो, आपके एनसीईआरटी में जो नंबरिंग दी हुई है वो कुछ इस टाइप की दी हुई है, P0, P1, P2, P3। इफ यू वॉन्ट हम भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसे मत सोचना कि हमें P0 का कोई इंपॉर्टेंस है, ये P0 किसी पर्पस के तहत P0 लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बस एक सीरियल नंबर है ना। ठीक है, तो हम तो 1, 2, 3, 4 करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो चाहो तो P0, तो 1, 2, 3, 4 मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है, और इफ यू वॉन्ट एनसीईआरटी वाली नंबरिंग तो वो भी कर लेंगे, जैसे का आपका बोलो 1, 2, 3। ओके, हाँ, तो प्रॉपर्टी नंबर ये चलो छोड़ो, P0 ही लिख देता हूँ, आपको रेफर करने में आसानी होगी कि एनसीईआरटी में ये वो वाली प्रॉपर्टी है, इस पे वो वाला क्वेश्चन है ना। तो P0 प्रॉपर्टी नंबर 1 है, नंबरिंग में P0 है, ये क्या कहती है, पहले तो प्रॉपर्टी सुनो। ये सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी है जो हमने डमी वेरिएबल में कल ही सीखी शायद, है ना, कि आप जब चाहे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन और किसी का नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप वेरिएबल बदल सकते हैं जब आप चाहें, एक डमी वेरिएबल लगा सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी वैल्यू पहले थी वैसी की वैसी वैल्यू अभी है, क्योंकि वो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू थी और ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये ऐसे कहता है कि अगर इंटीग्रेशन a to b कर रहे हो ऑफ fx dx, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b कर रहे हो ऑफ fx dx, तो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू सम अदर वेरिएबल लाइक f(t) ले लो, dt From a to b। ठीक है, कोई दिक्कत, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डमी वेरिएबल, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डमी, नोट कर लिया सबने। ठीक है, और इसका प्रूफ वैसे दे रखा है एनसीईआरटी में, और समझना इतना आसान इतना मुश्किल नहीं है। देखो, आप अगर एक काम करो, इस प्रॉपर्टी में एलएचएस के अंदर अगर एक्स को टी मान लो तो डीएक्स डीटी हो जाएगा ना, कुछ बदलेगा क्या, एक्स बन गया टी, डीएक्स बन गया डीटी, यहां पे जो भी फंक्शन होगा वो एज इट इज टी की फॉर्म में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे फंक्शन था x² + 3x - 2, आपने क्या किया, एक्स को लिया टी, तो डीएक्स हो गया डीटी, तो अब जो x है वो तो t हो गया, तो x² + 3x - 2 उधर t² + 3t - 2 दिखाई देगा, और dx जो है वो dt दिखाई देगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या,
और वैल्यूज में अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स में चेंज करेंगे। समझ में आ गया सबको अच्छे से? डमी वेरिएबल का एप्लीकेशन ये केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही अप्लाई हो सकता है, इनडेफिनेट में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे एक फंक्शन चाहिए होता है, तो फंक्शन अगर एक्स की फॉर्म में है तो एक्स की फॉर्म में ही देना है। वहां पे याद करो अपन टी मानते थे तो डी सब्स्टिट्यूट करके वापस एक्स भी बनाते थे। क्यों बनाते थे, क्या जरूरत है? यही तो जरूरत है भाई, उन्होंने फंक्शन एक्स का दिया है तो आंसर भी एक्स के फंक्शन में ही चाहिए, टी के फंक्शन में हमने सब्स्टिट्यूट किया है, हमारा ही काम है उसको डी सब्स्टिट्यूट करना। और यहाँ पे क्या करते थे, एक्स को टी बनाने के बाद टी में ही सब्स्टिट्यूट कर देते थे वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि टी को बाद में एक्स बनाया कि नहीं बनाया, आंसर तो वैल्यू चाहिए ना। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फंक्शन और अपर लोअर लिमिट्स, उसके हिसाब से वैल्यू बनेगी। टी जीरो क्लियर है सभी को? एक्स में और टी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा कि ये एफ एक्स है, और ये एफ टी है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है और ये एक फंक्शन ऑफ टी है। यहां पे वेरिएबल एक्स है भाई, फंक्शन क्या होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स होती हैं और कुछ वेरिएबल टर्म्स होती हैं। दो फंक्शन को बिल्कुल इक्वल कब कहोगे, जब कांस्टेंट टर्म्स भी सेम हो और वेरिएबल टर्म्स भी सेम हो। क्या इन दो फंक्शंस की कांस्टेंट टर्म तो चलो सेम है, क्या वेरिएबल टर्म सेम है? क्या नहीं है ना, एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर अलग अलग चीज मानी जाएगी ना। तो मैं अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है तो मैं आंसर इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, ये अलग एक फंक्शन है, वो अलग एक फंक्शन है। बट जो वैल्यू होती है जैसे 10 है तो 10 तो 10 ही रहेगा ना, 10 तो 10 ही रहेगा। डेफिनेट इंटीग्रल में तो आंसर वैल्यू निकल के आ रही है, तो उससे भी 10 निकल के आ रही है, इससे भी 10 निकल के आ रही है, आंसर तो 10 ही रहेगा ना। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक फंक्शन ऑफ एक्स आंसर है, ये है आंसर, ये है आंसर, तो आई कैन नॉट मार्क दिस एज आंसर। अगर आपने टी में बदला कोई बात नहीं, वापस एक्स में बदलना आपका काम है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है ना, ओके। तो P1 भी बड़ा अच्छी सी प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है देखो, इसका इसको प्रूफ के साथ ही पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने। ये क्या कहती है, a टू b अगर मेरे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, लेट अस से मुझे एक चीज बताओ, मान लेते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो एक फंक्शन ऑफ x है, कैपिटल f x, ऐसे मान लेते हैं, तो उसकी लिमिट क्या लगाओगे आप a टू b, यही लगाओगे? बोलो यस और नो, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। फिर आप b रखोगे और a रखोगे और डिफरेंस निकालोगे, कैसे? कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a, यस और नो, यही करोगे? अच्छा, रिकॉर्डिंग आज तो चालू है क्या तनिषा? ओके, यस सर। अब आपकी ड्यूटी है ना चेक करना, ओके। सपोज करो मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ a माइनस, यस और नो, बनेगा? बनेगा, ओके। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, f ऑफ x की, देखो जो पहले होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट, और जो बाद में होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट, और बाहर माइनस साइन एज इट इज। और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जिसमें लोअर लिमिट तो है b, अपर लिमिट है a। क्या हुआ, लिमिट्स बदली तो माइनस साइन लग गया। स्टार्ट कहां से किया था, a टू b से, जैसे ये b टू a हुआ तो यहां पे माइनस साइन लग गया। क्या अपन ने क्वेश्चन में भी तो यही किया था, लिमिट्स अगर उल्टी हो जाती थी, छोटी से बड़ी की जगह बड़ी से छोटी हो जाती थी, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहां से एक माइनस साइन निकल के आ जाता था। एक क्वेश्चन में अपन फंसे भी थे, फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग बनाई थी, उसमें अपन ने गलती तो ये की थी, 0 to 8 थी, मतलब 1/3 to 1 था, तो वो लिमिट्स क्या बनी, 8 to 0 बनी, हम लिख रहे थे 0 to 8, तो वो 8 to 0 बनी अगर, तो नेगेटिव साइन बाहर बैठा था ना, उसको वापस प्लस बनाने के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट में क्या कह सकता हूं, ये तो था इसका प्रूफ, इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि अगर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है किसी फंक्शन का,
फ्रॉम द लिमिट ए टू बी. तो अगर मैं कुछ भी ना करूं, केवल लिमिट्स इंटरचेंज कर दूं, ए टू बी से अगर मैं बी टू ए कर दूं, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस साइन. दैट इज इट. कभी भी लिमिट्स उल्टी कर दो, लोअर को अपर, अपर को लोअर, उसका होल का माइनस कर दो. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस में जब लगाते हैं ना तो बड़ा मजा आता है. मजा का मतलब है क्वेश्चन छोटा हो जाता है ना, खुशी होती है. ठीक है, ये लो देखो. पर सर इसका आंसर अल्टीमेटली तो पॉजिटिव ही आएगा ना. हाँ पॉजिटिव ही आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि माइनस, इसको सपोज करो मैंने एक बड़ी लिमिट से छोटी लिमिट पे गया, तो इसका आंसर नेगेटिव, बाहर एक नेगेटिव और वेट कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है, आंसर क्या आएगा मुझे पता नहीं है, आंसर ये आएगा जो जैसा पहले था, जैसा पहले था वैसा ही आंसर आएगा. ठीक है ना, एक चीज और समझो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है ना उसको एरिया की तरह मानते हैं ना, जब एरिया फंक्शन मानते हैं ना तभी अपन माइंड में ये बात रखते हैं कि इसको पॉजिटिव लिखना जरूरी है. बट अगर अपन उसको एरिया की तरह ना मान के उसको अपन डेफिनेट इंटीग्रल मानते हैं ना, तो वो एक वैल्यू है. तो माइंड में ये मत रखो कि ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, उसके उस टाइम आप ये याद रखो कि हाँ ये नेगेटिव भी हो सकती है. समझ में बात, अगले चैप्टर में अपन सीखेंगे इसी को एरिया फंक्शन बना के. उसमें तो हम बकायदा मॉडुलस साइन लगाते हैं, जहां भी नेगेटिव मिले पॉजिटिव कर दो, बकायदा लगाते हैं. अभी कहीं लगा रहे हैं क्या, नहीं. तो अभी इसको एक वैल्यू मानो, एंड वैल्यू कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. ठीक है, तो हार्ड एंड फास्ट मत मानो कि नेगेटिव हो ही नहीं सकती, अभी तो मानो कि हो सकता है, सब हो सकती है, अभी तो ये केवल एक वैल्यू है ना. ठीक है, क्लियर है? हाँ यस सर. देखो वैसे तो प्रूफ इज नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट. मैंने क्या कहा, इसका इंटीग्रेशन किया तो एक फंक्शन आया एक्स का, उस एक्स के फंक्शन को मैंने मान लिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स. इंटीग्रेशन करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन था ये, इंटीग्रेंड था ये, इसका इंटीग्रल आ गया ये. अब इंटीग्रल, ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इस पर फिर लिमिट लगाऊंगा मैं, तो लिमिट कैसे लगाऊंगा, एक बार बी रखूंगा और एक बार ए रखूंगा, डिफरेंस देखूंगा. फिर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो एफ ऑफ ए पहले आ गया, एफ ऑफ बी बाद में आ गया. ठीक है, तो अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं, अगर मैं इस चीज को ये चीज लिख सकता हूं, तो वापस इस चीज को मैं वो चीज लिख सकता हूं जिसमें ए ऊपर और बी नीचे हो, लिख सकता हूं, लेकिन बाहर अब क्या रह जाएगा, माइनस साइन. और फिर जब मैं इसको अगर मैं ये लिख सकता हूं, तो वापस इसको ये भी तो लिख सकता हूं, तो नीचे इस तरह की चीज आ रही है, उसको वापस मैंने इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज कर दिया, बस लिमिट्स का ध्यान रखा, वापस मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज कर दिया, बस अब की बार ए ऊपर है और बी नीचे है, और ये माइनस का साइन कॉपी पेस्ट होके नीचे आ रहा है. ठीक है सर, एक क्वेश्चन है 7.9 में, उसका आंसर माइनस में आ रहा है, जो एमसीक्यू होते हैं ना दो, वो वाले माइनस में हमने सॉल्व करके बता दिया था, वो प्लस में आ रहा है. एक का तो आंसर रॉन्ग है, अगर आपने वीडियो देखा हो तो एक का तो आंसर रॉन्ग है, वो फोर आंसर तो नहीं है, आंसर उसका सिक्स था. हमारा यहाँ पे माइनस सिक्स आ रहा था जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी. कौन सी एक्सरसाइज में कह रहे हो बेटा, 7.9 का 21st क्वेश्चन. 7.9 का 21st क्वेश्चन सर, उसमें डी आना चाहिए ना, तो इसमें नेगेटिव अपन ने वैल्यू गलत लिखी थी भाई, ये बता रहे बच्चे. टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा रूट थ्री. क्या होता है टेन इनवर्स थ्री, रूट थ्री यानी कि 60 डिग्री. क्या कहूंगा मैं इसको, पाई बाय थ्री. अपन ने पाई बाय सिक्स लिख लिया था भाई, बच्चे बता रहे हैं ना, मुझे नहीं पता. ठीक है, अपन ने वहां पे गलती कर दी थी, इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव आ गया होगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा. राइट, ठीक है, क्लियर है? ओके सर. जब छोटी से बड़ी जाओगे, ये यूं कहूं, ओरिजिन से पास वाली को लोअर लिमिट लोगे, ओरिजिन से दूर वाली को अपर लिमिट लोगे, जब जब आप इस प्रोसेस से चलोगे, तब तब डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? लेट अस से कि ओरिजिन है,
इसको तो ले लो लोअर लिमिट, उसको ले लो अपर लिमिट, पॉजिटिव रहोगे। उल्टा कर दो, उसको ले लो लोअर और इसको ले लो अपर, तो आंसर आपका नेगेटिव आना ही है। ये कि ये काम इधर की साइड भी चेक कर सकते हो, मान लो इसको तो ले ली लोअर ओरिजिन के नजदीक, उसको ले ली अपर, आपका डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर पॉजिटिव आएगा। बट अगर उल्टा कर दिया, उसको ले लिया लोअर और इसको ले लिया अपर, तो वापस आपका डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक चीज समझो कि मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, तो इसका कोई एरिया आ रहा है, तो यही ट्राइंगल अगर मैं नीचे बनाऊंगा तो इसका एरिया, मतलब न्यूमेरिकली जो वैल्यू आएगी, जैसे वहां 100 आ रही थी तो यहाँ पे माइनस 100 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपके नेगेटिव हो गए। बट जब मैं इसको एरिया मान लूंगा तब मैं इसको 100 ही मानूंगा। जब मैं इसको एरिया मान लूंगा तो मैं इसको क्या मान लूंगा, 100 ही मान लूंगा। उसी तरीके से अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे ये वाला एरिया है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही कल को ऐसे आ जाए तो न्यूमेरिकली तो वो नेगेटिव दिखाई देगा हमको, बट अगर फिर उसको एरिया मान लेंगे तो हम पॉजिटिव मान लेंगे। जब तक एरिया से नहीं कंपेयर करेंगे तब तक अपन लिख देंगे कि हाँ माइनस दिस, ठीक है, क्लियर है, नेगेटिव आएगा ही नहीं यार, कोऑर्डिनेट सारे नेगेटिव हो गए। जब 5 था वहां माइनस 5 हो गया, तो न्यूमेरिकली मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो जो 5 के हिसाब से आंसर आना था माइनस 5 के हिसाब से नेगेटिव आएगा ही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस तो वही है, हाइट में पहले आप ले रहे थे 5, अभी आप हाइट में ले रहे हो माइनस 5, बेस तो वही है, हाइट में पहले आप ले रहे हो 5, अभी ले रहे हो आप माइनस 5, तो न्यूमेरिकली तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मिलेगी, बट फिर जब उसको एरिया सोचें, यार ये तो एरिया है, तो अपन ऑब्वियसली माइनस साइन हटाएंगे, अपन कहेंगे 100 cm² इसका एरिया, दैट मीन्स हम मॉडुलस फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 तक हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछो। 3 पे चलते हैं, कहाँ गई, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ए टू बी नहीं, ए नीचे बी ऊपर है ना, ए टू बी एफ एक्स। ठीक है, चले आगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आपके एनसीईआरटी में सीरीज वाइज है, P2, ठीक है, करें, ठीक है। अब P2 क्या कहती है, P2 कहती है कि मुझे एक चीज बताओ, आप डेफिनेट इंटीग्रल को एरिया ही मानते हो ना, एक बार चेक कर लूं कि प्रॉपर्टी तो वही है ना, मैं कहीं और दूसरी समझा दू, बिल्कुल वही है। P2 क्या कहती है कि आप कहते हो डेफिनेट इंटीग्रल एरिया देखता है, एरिया देता है, आप कहते हो कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है, मुझे एरिया देता है। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रल एरिया देता है, लेट अस से कि ये कर्व है और इस लिमिट के बीच में ये एरिया देता है, तो अगर मैं बीच में एक लिमिट और घुसा दूं, फिक्स कर दूं, जैसे ए से लेके बी थी मैंने सी और मान ली, तो टोटल एरिया जो आप निकाल रहे थे ए से बी, उसको अगर आप ए से लेके सी तक निकाल के और सी से लेके बी तक निकालोगे और ऐड करोगे तो भी ए से लेके बी तक ही मिलेगा। मैं ज्योमेट्रिकली कॉमन सेंस की बात है, एक रेक्टेंगल को अगर मैं मान लो दो रेक्टेंगल में तोड़ दूं तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल, मान लो मेरे को इस पूरे प्लॉट की साइज चाहिए, मैंने रूम वाइज साइज अगर निकाल ली, एरिया निकाल लिया, जोड़ दिया, तो प्लॉट की साइज मिलेगी ना, मिलेगी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपको ए से लेके बी तक निकालने में तकलीफ हो रही है ना, आप एक काम करो, ए से सी निकाल लो और सी से बी निकालो और जोड़ दो, ए से सी निकाल लो, सी से कुछ फंक्शंस होंगे जिसमें अपने को डायरेक्ट जाने में तकलीफ हो रही होगी, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही होगी, उसको अपन तोड़ के सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ए से लेके सी वो लिमिट सोचो बीच में जहां पे ये अच्छे से सॉल्व हो सकता है, वो आप सोचो, जैसे 0 to 2π है, आपने देखा है 0 to 2π, मेरे को नहीं समझ आ रहा, चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए, आप 0 to π कर लो पहले और पाई से 2π कर लो, या फिर 0 to π है, आप 0 to π/2 कर लो और π/2 2π कर लो, वो आपको फंक्शन टू फंक्शन खुद सोचना पड़ेगा कहां पे मैं ब्रेक करूं। ठीक है, अगेन प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, वही तो समझ रहे हैं, समझना बड़ा आसान है, यूज करना, अप्लाई करना अगली एक्सरसाइज में बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब वही पहचान करना, क्योंकि प्रॉपर्टी कोई नहीं बताएगा कि इसमें ये लगेगी इसमें ये लगेगी। ठीक है, तो P2 says कि अगर आपके पास A से लेकर B
एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। तो आप उसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, ए से लेके सी तक, सी को बीच में पॉइंट घुसा दिया आपने, एफ एक्स डी एक्स प्लस प्लस, अब सी से बी पे चले जाओ, अब सी से बी पे चले जाओ, एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, मैथमेटिकली भी अगर अपन देखें तो इसका जो आंसर आएगा, मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, यही आएगा। इसके अंदर अगर मैं प्लस करूं ये चीज, तो ये क्या, इसका आंसर मैथमेटिकली क्या है भाई, एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स था तो यहां पर भी वही रहेगा, फंक्शन तो सेम ही है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वही फंक्शन, बट अब पहले बी माइनस एफ ऑफ सी। तो जब मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, उसका मतलब भी तो वही था, उसका मतलब भी तो वही था, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। मैथमेटिकली भी समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकली भी मैंने समझा दिया कि एरिया कट रहा है, जुड़ रहा है, वापस बड़ा एरिया बन रहा है। क्लियर है, समझ में आई, ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3, ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, चलें प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। चले P4, ओ P3 है ना, एनसीईआरटी की नंबरिंग में P3। या आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा कौन करता है, जीरो से क्यों स्टार्ट करिए आखिर इन्होंने। एक्चुअली होता क्या है कि जब से कोई चीज क्या होता है, जैसे इवॉल्व होती है ना, तो ज्यों की त्यों ही रह जाती है। हो सकता है कि जिस मैथमेटिशियन ने इसको इवॉल्व किया उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, उसने जीरो से स्टार्ट कर दी, तो वही कॉपी पेस्ट होती 100, 150, 200, 1, 2000 साल हो गए, लेकिन वही कॉपी पेस्ट होकर चलता जा रहा है। उसने उसका नाम P0 रखा था, तो P0 से ही चल रहा है, ठीक है, यही रीजन रहा होगा, और तो क्या हो सकता। ओके, अब जो P3 है, P3 इससे पूछना, जिसने ये लिखा उससे पूछना है ना। क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बहुत वैल्यू होती है, राइट साइड में ना, मैं भी कह रहा हूँ ना, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अगर आप काउंटिंग करोगे 0, 1, 2, 3, तो अभी 0 लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, लेफ्ट साइड में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है राइट साइड में, इसकी वैल्यू राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं है, इसलिए 1 से काउंटिंग कर ली, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 फिर इसी का जो है, देखो लिख भी रहा है पर्टिकुलर केस है, इसी में से इवॉल्व हुई है प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी में से इवॉल्व हुई है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि अगर आपके पास वही ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए टू बी सेम, नो चेंज, और लिमिट्स का सम करके माइनस एक्स, लिमिट्स का सम करो, यानी कि लिमिट्स का सम करो ए प्लस बी माइनस एक्स। अब देखो, अब याद कैसे करें कि ये ट्रू होता है ना, याद कैसे करें कि ये ट्रू होता है, dx लिख दो उसके आगे। तो देखो एनसीईआरटी में जो इस चीज का प्रूफ है ना, उसमें तो कुछ इस तरीके से कि लेट इसको a प्लस बी माइनस एक्स को, a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लो, इस तरीके से प्रूफ है, और फिर आगे उसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, माइनस dx क्या हो जाएगा, माइनस dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, f of t और माइनस dx dt है, तो dx माइनस dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक तरीके से, देखो सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार, लेट अस से कि a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने क्या लिया, t लिया, a प्लस बी माइनस एक्स को क्या लिया मैंने, t लिया, तो उससे क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस dx इक्वल्स टू dt, या फिर यूं कहूँ dx इक्वल्स टू माइनस dt, और सब्सटीट्यूशन में फिर अपन लिमिट्स भी तो बदलते हैं,
कि नहीं बदलते हैं, लिमिट्स भी तो बदलते हैं। तो लोअर लिमिट क्या थी आपकी, ए, लोअर लिमिट थी ए, तो उस हिसाब से टी क्या हो गया आपका, टी की वैल्यू है ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो माइनस ए कर दूं, ठीक है, तो ये क्या आ गया बी, ठीक है। और व्हेन अपर लिमिट क्या थी आपकी बी, तो फिर टी की वैल्यू ए प्लस बी माइनस बी कर दूंगा तो ये आ जाएगी ए, तो अब आपका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल है जो कि क्या था ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स था इंटू डी एक्स था, वो क्या बन गया, वो कुछ ऐसे बन गया माइनस डी टी का माइनस बाहर लगा देता हूं और देखो लिमिट्स उल्टी हो गई, ए तो हो गया बी और बी हो गया ए, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए टू बी था लेकिन अब मैं क्या लिखूंगा बी टू ए, क्या लिखूंगा बी से लेके ए, और ये ए प्लस बी माइनस एक्स को तो मैंने टी ले लिया था और अंदर क्या बच गया था मेरे पास डी टी। अब मैं वो वाला फंडा लगाऊंगा, प्रॉपर्टी नंबर वन डमी वेरिएबल, मैं वापस इसको एक्स लिख सकता हूं मेरी मर्जी, मैं टी डी टी को वापस एक्स डी एक्स लिख सकता हूं मेरी मर्जी, डमी वेरिएबल माइनस बाहर। अब सुनो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये एक्स डी एक्स है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ए टू बी है ना, मतलब बी टू ए है ना, ये क्या है बेटा बी टू ए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वापस ए टू बी और माइनस साइन हटा दूं, माइनस साइन हटा दूं, यहां पे एक्स क्यों आया, एक मिनट रुको, ये एफ था ना बेटा, एफ तो मैंने कहीं लगाया ही नहीं, मैंने सिंपली ए प्लस बी माइनस एक्स के हिसाब से ले लिया, यहां पे एफ था, एफ एफ, तो ये भी एफ, मैंने तो आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया एक्स है ना, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं बाहर का माइनस साइन हटाना चाहता हूं तो मैं बी टू ए को वापस ए टू बी ले लूंगा, तो ये आ गया आपका एलएचएस, आरएचएस से शुरू किया तो एलएचएस पे आ गया, तो ये तो इसका ओरिजिनल प्रूफ, ये तो इसका ओरिजिनल प्रूफ, बट प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसा तरीका इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा तरीका इंपॉर्टेंट है जिससे प्रॉपर्टी याद रह जाए बस, राइट, कोई ऐसा तरीका हमको बताओ जिससे प्रॉपर्टी याद रह जाए। तो मुझे एक चीज बताओ, वही ज्योमेट्रिकली अपन देखते हैं, लेट अस से कि ये तो है ए और ये है बी, ठीक है, और जब मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच का एरिया, यही होता है, यही होता है। अब ये जो है ये किसके बराबर बता रहा है, ये इसके बराबर बता रहा है, किसके बराबर, सम ऑफ दिस एफ ऑफ सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स के बराबर बता रहा है। तो मैं देखता हूं ज्योमेट्रिकली ये बराबर है कि नहीं है, मैं देखता हूं ज्योमेट्रिकली ये बराबर है या नहीं, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, ये यहां पे क्या लिखा था इन्होंने, ए टू बी लिखा था ना, ठीक है, मुझे एक चीज बताओ इसका मतलब क्या है, ये बी पहले लगाओगे और ए बाद में लगाओगे, इसका मतलब है कि यहां से यहां का एरिया, देखो एक चीज बताओ, ये डीएक्स पता है क्या होता है एक्चुअली, ये डीएक्स विड्थ होती है, ये dx क्या होती है, इसकी विड्थ होती है, समझ में आई बात। और एफ ए सपोज करो मैं यहाँ पे a पुट अप कर दूं, तो ये एफ ए लंबाई हो गई, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इस स्ट्रिप की क्या हो गई, एक तरीके से एरिया हो गया। और फिर जब मैं b पुट अप करूंगा तो लास्ट वाली स्ट्रिप का एरिया, dx वहां पर भी dx लंबाई, अब यहां से लेके यहां तक का एरिया में से यहां से लेके यहां तक का एरिया माइनस करता हूं तो बीच का एरिया आ जाता है, ये चीज अपन ने थोड़ी बहुत पहले भी पढ़ी थी, ठीक है ना, ये होता है इसका मतलब। अब मैं अगर उसको इस रूप में देखूं, तो एक बार सपोज करो मैंने b पुट अप किया, तो a प्लस बी माइनस बी क्या हो गया एफ ए, यानी कि ये एरिया जो है ना इसको मैं कह सकता हूं यहां से लेके यहां तक का एरिया, राइट, यहां से लेके यहां तक का एरिया। लेकिन उसमें सपोज करो मैं b पुट अप करता हूं तो वो पहले तो बनता है एफ ए, पहले तो बनता है एफ ए, और फिर a पुट अप करता हूं तो बाद में क्या बनता है एफ बी, यानी कि वो उल्टा हो रहा है, यानी कि वो यहां से लेके यहां तक का एरिया और ये यहां से लेके यहां तक का एरिया है। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये नेगेटिव बनेगा, बट फिर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि मैं यहां से लेके यहां तक का एरिया मानूं या फिर यहां से लेके यहां तक का एरिया मानूं, एरिया तो यही काउंट हो रहा है तो दोनों बराबर ही है, तो दोनों बराबर ही। तो ये वाली प्रॉपर्टी उस चीज को फॉलो करती है कि आप चाहे से अपवर्ड एरिया निकालो या डाउनवर्ड एरिया निकालो, एरिया सेम आएगा ज्योमेट्रिकली, ठीक है। हाँ
देखो आ रहा है ना नेगेटिव, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ नहीं आ रहा है, बट फिर मैं फिर इस पे सोच रहा हूँ ना कि यार वो तो एरिया है, मैं वैल्यू वाइज तो कह रहा हूँ कि वो नेगेटिव है, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ यार ये तो एरिया है, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रॉपर्टी बनाई गई। ठीक है, क्लियर है? जब जब मैं इसको एरिया मानूंगा, अब जब मैं इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ही कर रहा हूं तो फिर मैं इसको एरिया ही मान रहा हूं ना। ज्योमेट्रिकली भूल जाओ तो फिर ऊपर वाला अपने पास प्रूफ है इसे, और ऊपर वाला प्रूफ भी ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, देख लो फटाफट से, ये समझ में नहीं आया तो छोड़ो उसको, ये देख लो आप। देखो हमने क्या किया, हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एरिया बराबर है, ये दोनों डेफिनेट इंटीग्रल बराबर है ना। तो अब इसके पास तो सॉल्व करने लायक कुछ बचा ही नहीं है, हमने इसको उठाया, अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं तो हो जाएगा ना काम। मैंने क्या किया, इसमें ए प्लस बी माइनस एक्स को क्या ले लिया, टी, तो यहां से इसका डेरिवेटिव माइनस डी एक्स डी टी हो गया और डीएक्स माइनस डी टी हो गया। उस हिसाब से फिर मैंने ये ए और बी को भी चेंज करना चाहा, तो ए और बी को जब मैंने चेंज करना चाहा तो ए तो बी बन गया और बी ए बन गया। चेक कर लो भाई, एक्स जब ए था, टी की वैल्यू ये थी, तो एक्स की जगह जब मैंने ए पुटअप किया तो ए माइनस ए टी बी बन गया, मतलब नई लिमिट आपकी बी बन गई, जो पहले ए थी अब बी बन गई। ठीक है, और फिर जब आपने दूसरी वाली लिमिट उठाई बी और उसको यहाँ पे पुटअप किया बी माइनस ए, तो अब जो नई लिमिट थी वो ए बन गई। तो ठीक है, तो अब आपका ओरिजिनल जो इंटीग्रल था ए प्लस बी माइनस एक्स, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसमें ये चेंजेस हुए कि ए टू बी तो बन गया बी टू ए, ठीक है, डीएक्स की वैल्यू माइनस डी टी थी तो डी टी यहाँ लगा के माइनस यहाँ लगा दिया, और ये तो टी था ही सही। ठीक है, अब मैंने लगाया डमी वेरिएबल, भाई टी को वापस एक्स बना देते हैं, बात तो एक ही है, टी को वापस एक्स बना देते हैं, तो टी डी टी बन गया डीएक्स। अब मैंने कहा माइनस को फिर हटाओ, माइनस को हटाया तो जो बी टू ए था वापस क्या बन गया, ए टू बी, तो ये वापस एलएचएस की तरह ट्रीट एक्ट होने लग गया, यानी वैल्यू वाइज ये दोनों सेम आएंगे, वैल्यू वाइज ये दोनों सेम आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं, तो मान लो आपके पास है 0 to π/2, नहीं हाँ ठीक है, 0 to π/2 f(x) या sin x ले लो dx, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो सेम आएगा, वो सेम आएगा 0 to π/2, 0 और π/2 का सम क्या होता है, π/2, π/2 में से x को माइनस करो, कॉमन सेंस से सोचो आंसर सेम आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। sin π/2 - x क्या होता है, cos x ही तो होता है, होता है। अब आप बताओ ऊपर वाले इंटीग्रल और इस वाले इंटीग्रल का आंसर अलग अलग होगा क्या, नहीं होगा। चेक कर लो, साइन एक्स का आप इंटीग्रल क्या लिखोगे, माइनस कॉस एक्स में फिर आप -cos π/2 - cos 0 करोगे, और इधर कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स, और फिर उसमें आप sin π/2 - sin 0 करोगे, दोनों का आंसर बनाने वाला है, दोनों का आंसर बनाने वाला है। बोलो नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, -cos π/2 - cos 0, नहीं ये प्लस होगा ना भाई, एक एक माइनस तो वैसे लगता है, माइनस से बाहर है ना, -cos π/2 क्या होता है, cos π/2 क्या होता है, 0 cos 0 क्या होता है, 1, आया कि नहीं आया, और उसका तो साफ साफ दिख ही रहा होगा, साइन एक्स करोगे sin π/2 - sin 0 1 होगा, आया कि नहीं आया, नहीं आया, समझ नहीं आया, सेम आया ना, सेम आ गया ना, समझ भी आ गया ना, अलग अलग नहीं आया, समझ भी आ गया। ठीक है, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ आई विल एड द लिमिट्स एंड सब्ट्रैक्ट एक्स, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है, ओके। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर, ये कौन सी थी, अरे उसकी सीक्वेंस क्या थी, उसके भी तो देख लेना, P3 और P4 जो है इसी का पर्टिकुलर केस है, P4 इज द पर्टिकुलर केस ऑफ P3। ये क्या कहता है कि आपने कहा था ना कि A से लेके B तक fx dx जो होता है वो क्या होता है, अभी आपने P3 में क्या कहा था मुझे बताओ, आपने कहा था कि आप क्या कर दो, लिमिट्स को जोड़ो और x को घटाओ, आपने कहा था ऐसा। इस प्रॉपर्टी की तर्ज पे अगर मैं चलूं तो अगर मेरी लिमिट ए से लेके बी की जगह 0 से लेके a टाइप की है, अगर ये 0 से लेके a टाइप की है, तो f(x dx) अब इस प्रॉपर्टी की तर्ज पे अगर मैं चलूं तो क्या बनेगा, 0 से लेके a और
a माइनस एक्स, बस। तो एक तरीके से वही प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फोर। बताओ कुछ अलग है क्या इसमें, क्या समझाऊं मैं इसमें? आपने क्या किया, यहां पे रखा जीरो, यहां पे रखा a, तो ये जीरो प्लस a हो गया, माइनस एक्स तो करना ही है, जीरो प्लस a क्या होगा, a माइनस एक्स, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी नंबर फोर ये है कि अगर दो अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, जीरो है यहां पे फिक्स है भाई, इसमें ये फिक्स हो गया कि यहां तो जीरो ही होगा, इस प्रॉपर्टी में ये फिक्स हो गया कि यहां पे क्या होगा, जीरो होगा, और वहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आप क्या करो, ऊपर वाली वैल्यू में से एक्स को घटा दो, क्योंकि नीचे तो वैसे जीरो है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। इसको पैक कर देता हूं, ये प्रॉपर्टी नंबर फोर है, ये ऊपर वाली चीज तो प्रॉपर्टी नंबर थ्री ही लिया था, डिराइव करने के लिए लिया था मैंने ना। आप लिख भी सकते हो जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि P4 इज द पर्टिकुलर केस ऑफ P3, लिख दो और डाल के, P4 इज द पर्टिकुलर केस ऑफ P3, केस ऑफ P3। चले आगे P5, ठीक है। P5 बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी है, यूज कम होती है, यूज कब होती है, जब नीचे तो फिक्स हो गया जीरो है ही सही, ऊपर जो है कुछ डबल फंक्शन, डबल टाइप की लिमिट हो, जैसे कि 2π, अब 2π में समझ में नहीं आ रहा तो उसको पाई में तोड़ने की अपने को जरूरत पड़ रही है उस केस के लिए, है ना। तो इसका प्रूफ तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो एक तरीके से याद ही करना पड़ेगा आपको। आप क्या कर दोगे, लिमिट्स को आधी आधी कर दोगे, देखो क्या है, जीरो से लेके टू है और एफ एक्स डी एक्स, मैं क्या कर दूंगा, जीरो से टू ए को जीरो से ए लिखूंगा, मेरे को टू ए समझ नहीं आया, ये टू ए से मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो मैं क्या कर दूंगा उसको जीरो से ए, और फंक्शन एज इट इज लिख दूंगा एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अब फिर मुझे कुछ ऐड करना तो पड़ेगा ना, ऐड तो करना पड़ेगा, ओके। तो ऐड क्या करूंगा, अगेन जीरो से ए ही लिखेंगे, लिमिट तो जो टूट गई जो टूट गई, जीरो से ए हो गया तो अब जीरो से ए ही रहेगा। अब आप क्या करो, वो पी फोर वाली चीज अप्लाई करो, पी फोर वाली चीज क्या थी, क्या थी, टू ए माइनस एक्स। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई पी फाइव उसका पर्टिकुलर केस है, बिल्कुल कह सकता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, जीरो से लेके टू ए पे जाना है आपको, आपने बीच में ए पॉइंट लगा दिया, एक प्रॉपर्टी सीखी अपन ने कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो से ए, ए से टू ए लिख सकता हूँ। मैंने एक चीज देखी यार, जीरो से ए और ए से टू ए तो बराबर है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, जीरो से ए और जीरो से ए दो बार लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक बार तो ये लिख दिया और एक बार इससे पहले वाली प्रॉपर्टी से ले लिया टू ए माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया, अभी क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा कि ऐसा करने से क्वेश्चन आसान हो गया, इसलिए किया मैंने, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नहीं है तो आप एक तरीके से ये माइंड में आता है कई बार कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा माइंड में आता है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा ऐसा करने से ये फायदा होता है क्या, ठीक है। क्या करूंगा मैं इसको, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, करना चाहिए, कर तो सकते हो, लेकिन अगर मैं उधर कर दूं, अगर मैं इधर कर दूं f ऑफ 2a माइनस x, अगर मैं इधर कर दूं तो ना तो ये चीज आएगी और लिमिट 2a की 2a ही रहेगी। t4 में हमने लिमिट बदली क्या, t4 में हमने लिमिट बदली क्या, नहीं बदली ना। p4 क्या था, 0 से लेके a fx dx, तो हमने इसको कैसे लिखा, 0 से लेके a ही लिखा ना, और f ऑफ a माइनस एक्स कर दिया, ये किया ना हमने। तो अगर आप इधर ही कर दोगे वही चीज तो फिर आपकी लिमिट 2a की 2a ही रह गई ना, आपका पर्पस था इसको ब्रेक करना, इसीलिए ये तो a हो गया और यहां पर भी a हो गया, एक बार तो सेम फंक्शन रहेगा और एक बार उन दोनों का 2a माइनस एक्स का डिफरेंस रहेगा, क्लियर है, याद रहेगा, ओके।
और सर अगर अपन इसको डिट्टो बिल्कुल P4 की तरह बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं ना। बना सकते हो अगर आपका, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब P4 और P5 में डिफरेंस क्या है देखो ध्यान से, LHS LHS में डिफरेंस देखो, ये इसका LHS है, ये इसका LHS है। कुछ ऐसी लिमिट हो जो सिंगल में आपका काम चला रही है तो P4 यूज कर लो, कुछ ऐसी लिमिट है जो ट्वाइस है और ट्वाइस में समझ नहीं आ रही है, उसको ट्वाइस का आधा करने की जरूरत हो रही है तो P5 को काम में लो। समझ में आई बात? लेट अस से 0 to π है, मेरा π-x से काम चल रहा है तो मैं P4 ही यूज करूंगा, लेकिन 0 to 2π है और मेरा 2π-x से काम ही नहीं चल रहा है तो मैं इसको 0 to π में कन्वर्ट करूंगा तो फिर मुझे प्रॉपर्टी 5 लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि P4 यूज करनी है कि P, ऊपर लिमिट कैसी है, नीचे तो जीरो फिक्स है, नीचे तो जीरो फिक्स है, ऊपर डबल टाइप की लिमिट है या सिंगल टाइप की लिमिट है, वो डिसाइड करेगा कि P4 यूज करूं या P5 यूज करूं। ठीक है प्रियांशी यस बोलो। सर। चलते हैं नेक्स्ट। क्या लिखा था इसको मैंने, एफ ऑफ, बस इसमें थोड़ा याद करने वाली बात यह है बेटा कि इसको a-x मत लिख देना भाई, इधर से देख के मत लिख देना, इसको ओरिजिनल से देख के लिखना पड़ेगा 2a-x, ठीक है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर P6। ठीक, इवन ऑड वाली है क्या, इवन ऑड वाली है? नहीं, P6 में भी देखो दो केस आ रहे हैं ना, P6 में भी दो केस आ रहे हैं, 0 से लेके 2 है। देखो ये क्या हो जाएगी, अगर ये ऐसे हुआ तो ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हुआ तो ऐसे हो जाएगी। देखो ये क्या कहता है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करो एक बार, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखी ना अभी आपने, मुझे एक चीज बताओ आप, अगर अगर ये दोनों बराबर हैं, कौन दोनों, ये और ये बराबर हैं, ये दोनों बराबर कब होंगे बताना, ये दोनों बराबर कब होंगे, लिमिट तो बराबर है ही, ये दोनों बराबर तब होंगे जब अंदर का फंक्शन बराबर हो, दैट मीन्स अगर ये दोनों फंक्शन बराबर हैं तो मैं ये क्यों लिखूंगा, मैं ये ट्वाइस ऑफ करके लिखूंगा, यस और नो लिखूंगा ना भाई, दोनों बराबर हैं तो अलग अलग क्यों लिखूंगा, एक्स प्लस एक्स को मैं 2x ही लिखूंगा ना। लेकिन अगर ये एक दूसरे के एंटी हैं, मतलब ये इसका नेगेटिव है या ये इसका नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को खत्म करके 0 बना देंगे, बस यही कहती है प्रॉपर्टी नंबर, अगली इसी प्रॉपर्टी में, एक बार तो ले लो इन दोनों को बराबर, एक बार ले लो इन दोनों को एक दूसरे का एंटी, ठीक है क्लियर। चलो लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि वही 0 से लेके 2a लिमिट है, डबल लिमिट है, f(x) dx है, तो ये क्या हो जाएगी, इस चीज की ट्वाइस हो जाएगी, 0 से लेके a f(x) dx हो जाएगी, ठीक है। अगर अगर इफ ऊपर वहां पे स्पेस नहीं है, नीचे लिख देते हैं, इफ इफ एफ एक्स जो है एफ ऑफ 2a-x के बराबर है, अभी एक एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, है ना, और यही चीज जो है 0 बन जाएगी, इफ 0 कब बनेगी, इफ एफ एक्स जो है इसका नेगेटिव है, मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ 2a-x, इस केस में तो ये एक दूसरे के एंटी हो गए तो एंटी लोग जुड़ेंगे, जैसे 4 और -4 जुड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे, और 4 और 4 सेम सेम जुड़ेंगे तो दुगने हो जाएंगे, एक से पहले दो, तो वहां पे तो ट्वाइस हो गया और यहाँ पे ये यह हो गया। अब एक फंक्शन जहन में आ रहा है मेरे, वही साइन और कॉस, मुझे बताओ साइन ऑफ 2π-x क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसे बिहेव करता है, नेगेटिव, नेगेटिव तो इट विल बी -sin x, राइट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसे बिहेव करता है,
पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसे बिहेव करता है? प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। और साइन कैसे होता है? प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन जो होता है एक्स एक्सिस के ऊपर प्लस, एक्स एक्सिस के नीचे माइनस। कॉस जो होता है वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड माइनस, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड प्लस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाई एक्सिस के राइट साइड ही तो आएगा, तो कॉस टू पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो ये तो वो वाला केस हो गया जिसमें दोनों बराबर है। मान लो मेरी लिमिट है जीरो से लेके टू पाई, जीरो से लेके टू पाई, और यहाँ पे कॉस एक्स है। देखो दोनों ही लेके बता देता हूँ मैं। मान लो क्वेश्चन है जीरो से लेके टू पाई और कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिमिट को जीरो से लेके टू पाई में मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। मैंने क्या कर दिया, जीरो से लेके पाई कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस वापस जीरो से लेके पाई, और अब क्या लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा, टू पाई माइनस एक्स। तो मैंने देखा यार ये दोनों फंक्शन तो बराबर है, cos 2 पाई माइनस एक्स cos x होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस वो cos x ही हो जाता है, तो मैं ये क्यों लिखूंगा, मैं दुगना लिखूंगा ना। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। यही चीज साइन में होगी तो ये इसका नेगेटिव होगी, मतलब अगर इस cos की जगह साइन आ जाए तो आंसर स्ट्रेट अवे जीरो है, आंसर स्ट्रेट अवे जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, और साइन एक्स और साइन टू पाई माइनस एक्स एक दूसरे के इस तरीके से बिहेव करेंगे, एक दूसरे के एंटी होंगे, होंगे नहीं होंगे, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये एक का क्लासिक एग्जांपल है इस तरह का फंक्शन आ जाए तो। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर, देखो हर एक प्रॉपर्टी अगले प्रॉपर्टी को जन्म दे रही है। पी सिक्स जो है पी फाइव से ही रेफर होके आई है, पी फाइव जो है पी फोर से रेफर होके आई थी, पी फोर तो पी थ्री का था ही इस पर्टिकुलर केस। ठीक है, शुरू के बाद एक दो प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट है, उसके बाद अब ये सेम सेम होके आए जा रही है। ठीक है, पी सेवन जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसके दो केस हैं, तो अगर दो केस अलग अलग माने तो इवन इवन ऑड फंक्शन की बात करेगा वहां पे वो। हाँ देखो, एक फंक्शन होता है ऐसा, ये कभी तो बनता है एफ एक्स, कभी ये बनता है माइनस एफ एक्स। एक एग्जांपल दे सकते हो दोनों का अलग अलग, साइन कॉस ही ले लो। तो अगर मैं माइनस कोसाइन ऑफ माइनस एक्स करता हूं, लेट अस से मैं अगर साइन ऑफ माइनस एक्स करता हूं तो वो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन अगर मैं कॉस ऑफ माइनस एक्स करता हूं तो वो कॉस एक्स होता है। तो ये वाला एग्जांपल तो है इसका, जिसमें माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, मैंने आपको याद भी करवाया था, कॉस का उल्टा सॉक, सॉक लेता है ये माइनस साइन को, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और ये वाला जो एग्जांपल हो गया, ये हो गया साइन का। तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। इन दोनों फंक्शंस को कहते हैं इवन और ऑड फंक्शंस। अब इवन कौन सा होगा, जो सॉक लेगा, इवन कौन सा होगा जो सॉक लेगा, कंफर्म कर लेता हूँ भाई, क्योंकि हो जाता है कई बार उल्टा। इवन कौन सा है जो सॉक लेता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, सॉक लिया इसने, तो यानी कॉस टाइप का फंक्शन इवन है, कॉस टाइप का फंक्शन क्या है, इवन है। और जो माइनस साइन को बाहर निकाल के फेंक देता है उसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन, उसको क्या कहते हैं, ऑड। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपकी लिमिट कुछ ऐसी है, जीरो वाली तो खूब सीख ली आपने, आप ये बताओ कि माइनस ए से ए टाइप की है, मतलब सेम सेम है, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, इसको ज्योमेट्रिकली भी बता देंगे अभी कॉस और साइन का एग्जांपल लेके। और मान लो यहां पर है आपकी एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब डिसाइड करेगा कि एफ एक्स ऑड है कि इवन, उस हिसाब से इसका आंसर आएगा, एफ एक्स ऑड है या इवन। अगर एफ एक्स इवन है, मींस वो सोक लेता है, तब तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। If fx is even, if fx is even, और even का मतलब भी लिख देता हूं, that is f of minus x equal to f of x, ठीक है, क्लियर है।
और यही केस का आंसर हो जाएगा अगेन जीरो इफ इफ एफ एक्स इज ऑड, इफ एफ एक्स इज ऑड। और एफ एक्स ऑड का मतलब क्या है कि माइनस साइन को बाहर निकाल देना। ऑड का मतलब क्या है, देखो ऐसे याद करवाया था मैंने लास्ट बैच को कि सपोज करो आप क्लास में आए और आते ही मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया, आप बाहर जाके क्या कहोगे, सर कितने ऑड हैं। ऑड मतलब होता है अजीब, अजीब है कैसे सर ये, तो जो माइनस साइन बाहर निकालते बड़ा ऑड है। ठीक है, क्लियर है, याद रखने की टेक्निक है और कुछ नहीं है ना। एफ एक्स इज ऑड दैट इज माइनस साइन को जैसे ही बाहर निकाला तो वो टीचर हो गया ऑड। ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऑड है तो आंसर जीरो है, और अगर इवन है तो वही पहले की तरह क्या है, दुगुना। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इफ एक्स एफ इज एन इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस साइन बाहर निकाल रहा है तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दें इसका, एक ये नोट कर लो एक बार। हो गया नोट डाउन। चलते हैं इसके एक एग्जांपल पे। एग्जांपल देने से क्या होगा कि थोड़ा सा याद रह जाएगा और कोई नहीं। सर ये लिमिट माइनस ए से ए तक है, तो अगर ए से माइनस हुई तो ए से क्या हुई बेटा, माइनस ए। ए से माइनस ए कैसे होगी, प्रैक्टिकली माइनस ए से ए ही होगी ना, ओरिजिन से करीब कौन सा रहेगा। अच्छा आप लेफ्ट टू राइट देख रहे हो, अगर यही ए टू माइनस ए हुई तो देखा जाए तो आंसर सेम ही आएगा अगर एरिया वाले केस में करें तो, और अगर नहीं तो फिर आंसर अगर न्यूमेरिक वैल्यू में देखें तो आंसर नेगेटिव आएगा, बट एरिया कंसीडर करें तो आंसर सेम आएगा। जीरो का तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता नहीं है, तो ये वाला केस तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, लेकिन अगर इस वाले केस की बात करें तो इधर माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू वाइज तो इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया वाइज हम इसको वापस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, बोलो। मतलब फिर तो ये ऑड फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, एक नहीं ऑड फंक्शन तो यहां से डिसाइड होता है बच्चे, ऑड फंक्शन तो केवल एफएक्स से डिसाइड होगा, इंटीग्रल से इवन या ऑड नहीं डिसाइड होगा भाई। इस इंटीग्रल का आंसर माइनस आएगा या प्लस आएगा उससे नहीं पता चलेगा कि इवन ऑड है, फंक्शन का आंसर इवन या ऑड आता है भाई। साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसके इंटीग्रेशन की कोई बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, फंक्शन के आंसर की बात कर रहा हूं। इवन ऑड फंक्शन से डिसाइड होता है, उसके इंटीग्रल से डिसाइड नहीं होता है। उल्टा फंक्शन अगर इवन है या ऑड है उससे उसका इंटीग्रल डिसाइड हो रहा है, उससे उसका इंटीग्रल डिसाइड हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर है। आप ऐसे मत सोचो कि सर अगर इधर ये माइनस आ गया तब ये ऑड फंक्शन हो गया, ना ये माइनस साइन निकला है तो इंटीग्रेशन से निकला है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। वही तो बता रहा हूं, देखो अभी बताते हैं कैसे ब्रेक हुआ। देखो सपोज करो, ज्योमेट्रिकली बताता हूं मैं, सपोज करो cos x का एग्जांपल देते हैं। आपको पता है cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, माइनस पाई से पाई पे, ओ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू पे ये ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ ले लेते हैं, एग्जैक्टली cos x लूंगा तो फिर क्या, उसी फंक्शन पे आप सीमित रह जाओगे। इस तरह का ग्राफ ले लो, जो राइट साइड
एक्स जब पॉजिटिव है और एक्स जब नेगेटिव है सेम तरह से बिहेव कर रहा है, सेम तरह से बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स मान लो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली वो की वही वैल्यू मेरी, मान लो मेरे जो वन पे वैल्यू निकाली वो सेम आई, जो माइनस वन पे वैल्यू निकाली वो भी सेम आई। मतलब एक्स के नेगेटिव और पॉजिटिव होने पे वो सेम तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ से मैं जितना दूर जा रहा हूँ तो सेम आ रही है, और यहाँ से मैं जितना दूर जा रहा हूँ, इस तरह का फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और इस तरह के फंक्शन को हम पता है क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस तरह के फंक्शन को, इवन फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये कॉस एक्स का एग्जाम्पल है। देखो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, होता है यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम, होता है ना। तो ऑड फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, इवन है ना। तो इस तरह का जो ग्राफ बने वो इवन फंक्शन। चलो इस तरह के एक ग्राफ की बात करते हैं अगेन, लेट अस से कि ये एक फंक्शन, ये एक कर्व है ना, ये मान लो माइनस ए है और ये मान लो ए है। आपको डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए लेकिन ये फंक्शन है इवन, ये फंक्शन है इवन। तो मैंने देखा यार जैसा इधर है वैसा ही उधर है या नहीं है, तो क्यों ना मैं एक तरफ का जीरो से ए निकाल के दुगना कर दूं, जीरो से लेके ए का कर दूं दुगना। यही किया है ऊपर, क्या किया है मैंने, जीरो से लेके ए तक का एरिया निकाल के उसके आगे टू लगाया है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब ऐसे और ऐसे फंक्शन जो है सेम तरह से बिहेव कर रहा है, जिसको अपन कहते हैं इवन फंक्शन। इवन का मतलब होता है बराबर, इवन है ये, समतल है ना। तो ये इधर और इधर सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी वैल्यू सेम लेके आ रहा है। ये फंक्शन जो है माइन टू पे जो वैल्यू लेके आ रहा है वही माइनस टू पे लेके आ रहा है, थ्री पे जो लेके आ रहा है वही माइनस थ्री पे लेके आ रहा है, फोर पे जो लेके आ रहा है वही माइनस फोर पे लेके आ रहा है। तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे। तो उसमें डबल एरिया निकालने की क्या जरूरत है, जब सेम तरीके से आपको बिहेव कर रहा है तो आप जीरो से लेके ए निकालो और उसका क्या कर दो, दुगना। आप माइनस ए से ए निकाल रहे थे, आप माइनस ए से ए निकाल रहे थे, तो आप क्या कर दो, जीरो से ए निकालो और इसका क्या कर दो, ट्वाइस। समझ में आया, पर उसके लिए फंक्शन इवन होना चाहिए, जैसा इधर वैसा इधर। समझ आया जनक, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑड। फंक्शन ऑड क्या होता है, एग्जैक्टली उसका नेगेटिव आंसर देता है, एग्जैक्टली उसका जो टू पे आंसर दे रहा है और जो माइनस टू, मान लो टू पे आंसर दे रहा है टेन तो माइनस टू पे आंसर देगा माइनस टेन, जो थ्री पे आंसर दे रहा है मान लो थर्टी तो माइनस थ्री पे आंसर क्या देगा, माइनस थर्टी, माइनस साइन बाहर निकाल रहा है, उसको क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। और उसका क्लासिक एग्जाम्पल है साइन फंक्शन, उसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, साइन फंक्शन। देखो साइन फंक्शन का आपने ग्राफ अगर नोटिस किया हो, इस फंक्शन का क्लासिक एग्जाम्पल तो था कॉस फंक्शन, आपने अगर साइन फंक्शन नोटिस किया हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, राइट। लेट अस से अब ये ले लो माइनस ए और ये ले लो ए, ठीक है। तो क्या हुआ साहब, मैंने ये देखा कि जो मान लो यहां पे कहीं पाई बाय टू है, यहां पे कहीं पाई बाय टू है, तो पाई बाय टू पे साइन वन होता है, साइन पाई बाय टू वन होता है, आंसर वन आ गया। और मान लो इतनी ही दूर माइनस पाई बाय टू है, इतनी ही दूर क्या है, माइनस पाई बाय टू है, तो आंसर तो वही वन है लेकिन नेगेटिव में, जितना ऊपर है उतना ही नीचे बट नेगेटिव में आंसर है। तो ये क्लासिक एग्जांपल हो गया ऑड फंक्शन का, कि जैसे इनपुट नेगेटिव हुआ आउटपुट का भी नेगेटिव हो गया। इनपुट पाई बाय टू था तो आंसर वन था, इनपुट माइन भाई मशीन है का ना, यहां से पाई बाय टू डाला वहां से वन निकला, यहां से माइनस पाई बाय टू डाला माइनस वन निकला, दिस इज ऑड, ये माइनस साइन को बाहर निकाल रहा है, दिस इज ऑड। मैंने पाई बाय टू डाला वन आया, मैंने माइनस पाई बाय टू डाला अभी भी वन आया, दिस इज इवन, ठीक है। माइनस साइन से फर्क नहीं पड़े, उसको सोख ले वो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अब इस फंक्शन टाइप का, इस टाइप के फंक्शन का एरिया मैं निकालना चाह रहा हूं, तो पहले मैं न्यूमेरिकली बात करूंगा, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, पहले मैं न्यूमेरिकली बात करूंगा, तो जो आंसर, जो इस फंक्शन का एरिया आएगा न्यूमेरिकली, ये एरिया एग्जैक्टली इसका सेम होगा बट नेगेटिव होगा न्यूमेरिकली, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो गए, होगा ना, होगा नहीं होगा भाई, ये जो आंसर आ रहा है ये आंसर इसका नेगेटिव होगा ना, होगा ना। तो एक तरीके से दिस प्लस दिस जीरो हो जाएगा। अब आप कहोगे सर एरिया नेगेटिव, तो अपन एरिया के चैप्टर में जाएंगे तब बात करेंगे उसकी, अभी वैल्यू की बात करो, अभी किसकी बात करो, वैल्यू की बात करो। ये जो वैल्यू आएगी
ये जो वैल्यू, अगर मान लो ये वैल्यू 100 आ रही है तो 100% ये वैल्यू माइनस 100 आएगी, और आपको इन दोनों का एरिया चाहिए। इन दोनों का क्या चाहिए? एरिया चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है? कर्व एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट से बनने वाला एरिया, कर्व एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट से बनने वाला एरिया। मैंने साइन एक्स का कर्व बनाया, ऐसे बना कर्व, मैंने ऑर्डिनेट्स बनाए ऐसे बने, और एक्स एक्सिस का एरिया यही तो होगा, यानी आपको ये एरिया चाहिए, आपको ये एरिया चाहिए। अगर वो चीज 100 है तो ये चीज माइनस 100 होगी, इसमें कोई दोराया नहीं है, होगी ना? तो न्यूमेरिकली 100 प्लस माइनस 100 क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, इसीलिए उसका आंसर क्या आ जाता है? जीरो। और ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब लिमिट्स बिल्कुल सेम हो, माइनस ए से ए टाइप की हो, जैसे माइनस 3 से 3 टाइप की हो, माइनस 5/2 से 5/2 टाइप की हो। आखिरी कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी ट्रिग्नोमेट्री में, 2a और ये सब लगती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो अल्जेब्रिक फंक्शंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज तो ऊपर गई। ठीक है, क्लियर है? तो ऑल ऑफ देम आर क्लियर टू यू और नॉट? या किसी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो पूछो। हम क्वेश्चंस कल से स्टार्ट करने वाले हैं, हर एक प्रॉपर्टी का एक एक एग्जांपल, जैसे किसी में कॉस में अप्लाई हो रहा है वो मैंने अभी बता दिया, थोड़ा फील मिल गया कि हाँ ये प्रॉपर्टी यहाँ लेनी है, प्रॉपर्टी यहाँ लेनी है, ठीक है, काम में यहाँ पे लेनी है। बोलो बच्चों। हाँ देखो, ऑड फंक्शंस आप सीधा सीधा देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव हुआ वो तो है इवन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो नेगेटिव हुआ वो है ऑड, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है मुझे एक चीज बताओ? सपोज करो आप 60 डिग्री ऊपर जा रहे हो, ठीक है, आप एफ एक्स कर रहे हो, आपने एफ ऑफ माइनस एक्स कर दिया, यानी माइनस 60 डिग्री। तो जैसे ही आप माइनस में जाओगे तो आप सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर होंगे नहीं होंगे, ठीक है? तो एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब ही क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एफ ऑफ माइनस एक्स से अगर माइनस साइन बाहर निकल जाएगा तब होगा ना ऑड, तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा यानी आंसर नेगेटिव आएगा, और माइनस साइन बाहर नहीं निकलेगा यानी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो जो फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है वो तो है इवन, वो माइनस साइन बाहर नहीं निकाल रहे हैं, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं वो क्या हो जाएंगे? ऑड। तो अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, इस लाइन से ऊपर ऊपर, इस लाइन से ऊपर ऊपर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, इस लाइन से ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर। तो साइन एंड कोसेक यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, इन दोनों पे नेगेटिव। तो साइन एंड कोसेक जो है यहां नेगेटिव है, दैट मींस ये ऑड फंक्शंस है। साइन एंड कोसेक क्या हो गए? मैं लिख देता हूं, साइन एंड कोसेक क्या हो गए? ऑड फंक्शन। क्लियर? अब बात करते हैं कोस और सेक की, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। कोस और सेक क्या होता है? वाई एक्सिस के इस साइड तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस के इस साइड नेगेटिव। तो कोस एंड सेक विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? इवन फंक्शन। चलो टेन की बात करते हैं। तो टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस। टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस। और वो अल्टरनेट तरीके से चलता है, याद करना चाहो तो। और अगर टेक्निकली देखो, टेक्निकली देखो तो साइन बाय कॉस करना है आपको, है ना? साइन बाय कॉस। साइन यहाँ पे पॉजिटिव था, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव था, तो टेन भी यहाँ पे पॉजिटिव। अब साइन और कॉस में से एक जना तो नेगेटिव था यहाँ पे, तो अल्टीमेटली टेन यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या था? साइन और कॉस में से दोनों नेगेटिव थे, तो नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे 10 पॉजिटिव और यहाँ पे वापस नेगेटिव। तो अल्टीमेटली जो 10 है नेगेटिव आया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा? इवन, सॉरी ऑड, 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 हाँ ऑड। तो यानी कि 10 एंड कॉट आर अगेन ऑड फंक्शन, और वो तो कॉट तो उसी का रेसिप्रोकल है ना, तो 10 एंड कॉट। तो इवन फंक्शन केवल और केवल कॉस और सेक, बाकी चारों जो है वो ऑड फंक्शन। फाइन, क्लियर? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। आज आपका काम यह है कि आप अच्छे से प्रॉपर्टीज को रिवाइज करो, और क्वेश्चंस मत देखो, केवल एग्जांपल्स देख के आओ। हर एक प्रॉपर्टी पे छोटा 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 एक एक एग्जांपल, जैसे मैंने दिया ना अभी, इसमें कॉस ले लो, इसमें साइन ले लो, ऐसे छोटा 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 एक एक एग्जांपल सॉल्व भी मत करो। एक बार जैसे गो थ्रू करते हैं अपन, रीड आउट करके आते हैं, ऐसे करके आओ तो कल क्वेश्चन करने में मजा आएगा, फील मिलेगा आपको, ठीक है ना?
क्लियर है, काफी है? तो नेक्स्ट क्लास से अपन एक्सरसाइज नंबर जो लास्ट वाली है 7.11 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? खत्म होने वाली मीटिंग. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय.